नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक शहर मुख्यालय बांदा के थाना बासोदा तहसील अतर्रा के नंदा मऊ से महिला ने अपने दरिंदे पति से परेशान होकर नाबालिग बच्चों को लेकर आई जिला अधिकारी के द्वार लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, प्रार्थिया की शादी करीब 20 साल पहले हो चुकी थी। प्रार्थिया व पति संतोष से दो पुत्र हैं, अर्पित उम्र 15 साल व छोटू उम्र 7 साल। राधा के पति ने दूसरी औरत अंजू साहू जो नादन मऊ की है उसको अवैध तरीके से रखा हुआ है, उसको लेकर ग्राम छेलोछर थाना कामासिन में रह रहा है। करीब 7 साल हो चुके हैं। प्रार्थिया व बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं करता है। प्रार्थिया किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। प्रार्थिया के हिस्से की जमीन जायदाद जेठ सामुख आरख का लड़का भैया राम व ससुर जबरन कब्जा किए हुए हैं, हिस्सा नहीं देते हैं और शिकायत करने पर मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। प्रार्थी के ससुर जमीन बेचकर सारा पैसा जेठ व उसके लड़के भैया राम को दे देते हैं। ससुर के कहने पर धमकी देता है कि ठेंगा नहीं दूंगा। 1/7/2021 को समय करीब 9 बजे सुबह अपने बच्चों को लेकर थाने जा रही थी तो जेठ समोस्ख आरख ने उसका लड़का भैया राम नंदन मऊ चौराहे पर घेर कर लादघूसों से मारपीट कर चोट पहुँचाई। मना करने पर बुरी तरीके से गाली देते हुए लोगों के सामने प्रार्थिया को कमज़ोर और अनजान कर लज्जा भंग करने के उद्देश्य से अपमानित कर बुरी तरीके से हाथ पकड़ कर बुरी नीयत से घसीट कर लड़के अर्पित ने रोका तो दोनों लड़कों को मारा पीटा। प्रार्थी अपने नाबालिग बच्चों के साथ छिपकर जिलाधिकारी बांदा शिकायत करने पहुंची। पूरा मामला अतर्रा तहसील अंतर्गत थाना बसोदा के नादन मऊ गांव का है। पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। कौन से गांव से आप लोग आए, किस तरह की समस्या लेकर के आप लोग आए? कौन, क्या नाम है, क्या नाम है बाबू? अर्पित। ये बताओ आप लोग क्या समस्या लेकर गए हैं, किस तरह की समस्या है आपकी? ये है सर कि हमारे पापा दूसरी शादी कर लिए, जमीन जायदाद बेच के बस लाएँ, फोर व्हीलर लाएँ, हम हर चीज़ में अपना हिस्सा मांगते तो हमें कहते हैं कि ठेंगा नहीं देंगे। अच्छा। हम पुलिस केस करने जाते थे, परसों पुलिस केस किया, थाने में अप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं। परसों यहाँ आ रहे थे हम डीएम साहब के पास तो हमारे दादा जो है रास्ते में रोक कर मारा। दादा और दादी का लड़का समो, हमारे दादा का नाम है, उसके लड़का का नाम है भैया राम जो हमारे साथ मारपीट की है। और